किसान बदलते भारत की शान डीडी किसान बदलते भारत की शान नमस्कार स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में मैं हूं अंटू सिंह सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं पोर्टल्स हैं या फिर ऐप्स हैं जिनसे जुड़कर हमारे किसान लाभ ले सकते हैं आज इसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में जी हाँ मधुमक्खी पालन आज के दौर में एक ऐसा उभरता हुआ कहीं व्यवसाय है जिससे युवाओं को रोज़गार मिल रहा है इसके साथ ही साथ हमारे किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है वो शहद के अलावा कई ऐसे उत्पाद भी हैं जिन्हें बेचकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं मधुमक्खी पालन से कैसे किसान जुड़ सकते हैं और कैसे वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके इसी के बारे में सरकार आपके साथ कार्यक्रम में आज हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं विशेषज्ञ से भी आपकी मुलाकात करवाएं उनसे भी सवालों के जवाब लें उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट शहद प्रकृति का दिया अनमोल उपहार है मधुमक्खियां इसका निर्माण फूलों से लाए मकरंद से करती हैं। शहद को इकट्ठा करने उसे संसाधित करने और छतों को बंद करने में मधुमक्खी को दो से तीन हफ्तों का समय लगता है शहद में शर्करा खनिज विटामिन एंजाइम और पराग बड़ी मात्रा में होते हैं, जो सेहत के लिए काफी लाभकारी हैं। भारत में महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व के राज्य शहद उत्पादन के मामले में काफी आगे हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी ये बड़े पैमाने पर होता है इस समय हमारा देश हर साल लगभग एक लाख तैतीस हजार मेट्रिक टन शहद का उत्पादन कर रहा है जबकि 2013 से 14 के दौरान ये आंकड़ा महज छिहत्तर हजार एक सौ पचास मेट्रिक टन था अधिक शहद उत्पादन की वजह से ही हम इसका निर्यात करने की स्थिति में हैं। बल्कि भारत दुनिया के मुख्य शहद निर्यातक देशों में शामिल होगा जिसमें हमने आपको मधुमक्खी पालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी फिलहाल यहाँ वक्त वक्त छोटी सी ब्रेक का लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे किसानों के सवाल और विशेषज्ञ की जवाब की कहीं मत जाइएगा देखते रहे सरकार आपके साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ जिसमें आज हम मधुमक्खी पालन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ से आइए तो बात करते हैं आपके सवालों की और विशेषज्ञ की जवाब की हमारे साथ डॉक्टर डी के राणा जी स्टूडियो में मौजूद हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में धन्यवाद डॉक्टर डी के राणा जो कि अध्यक्ष है कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में और जो आज का हमारा विषय है यानी मधुमक्खी पालन उसके तमाम बिंदुओं पर वो हमें जानकारी देंगे तो सर सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि हमारे देश में मधुमक्खी पालन की स्थिति क्या है जिसे हम एक मीठी क्रांति के तौर पर जानते हैं इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है मीठी क्रांति के नाम से तो अब हम कहाँ हैं मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भारत इस समय मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में काफ़ी अग्रसर है और भारत की जो आज की हम विश्व बाजार की अगर बात करें तो प्रमुख देशों में भारत का शहद उत्पादन में आज हम खड़े हैं और आने वाले समय में क्योंकि हम पिछले कई साल में हमने बहुत शहद के क्षेत्र में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है और धीरे धीरे हमको लगता है कि कम हम जो ऊपर के पायदान में जो प्रमुख देख है वहाँ तक हम जा जाएंगे जी जी बिल्कुल तो जैसा कि आप, आप कह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन या फिर कहें शहद उत्पादन के क्षेत्र में हम काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे पोषण के लिए भी शहद काफ़ी महत्वपूर्ण है हम जानते हैं कि इसके पोषक तत्व हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन से कई विभिन्न तरह के उत्पाद भी प्राप्त होते हैं जो कि जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं आप एक किसान हैं या फिर एक युवा हैं जो कि कुछ नया करना चाहते हैं या फिर कृषि से जुड़ते हुए ही अपने आय की व्यवस्था करना चाहते हैं अपना रोज़गार अपनाना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन एक कैसा विकल्प है कैसे इससे जुड़े कैसे इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले सर यहीं से हम जो बेसिक है कि मधुमक्खी पालन करना है तो क्या किया जाए किसान भाइयों मधुमक्खी पालन की अगर हम बात करें तो आज के समय एक बहुत अच्छा व्यवसाय है क्योंकि जो आप खेती करते हैं जो ट्रेडिशनल खेती आप करते हैं उसके साथ ही साथ मधुमक्खी पालन का कार्य भी आप आसानी से कर सकते हैं वो खेती के साथ दूसरा अगर आप व्यवसाय करेंगे आप मधुमक्खी पालन तो इससे आपकी इनकम में भी इजाफा होगा क्योंकि मधुमक्खी जब पालन का काम करते हैं तो जो आपकी फसलें हैं उनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे में कोल्लेसन होता है मधुमक्खी में भी और फसलों में भी तो मधुमक्खी पालन का अगर कार्य करना चाहते हैं किसान भाई तो सबसे पहले एक इसके लिए प्रशिक्षण लें प्रशिक्षण लेने के लिए आप नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र क्योंकि सभी जिलों में एक कृषि विज्ञान केंद्र है वहां भी आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं इसके अलावा आप खादी ग्राम उद्योग के द्वारा भी जो है आप प्रशिक्षण ले सकते हैं या नेशनल बी बोर्ड भी प्रशिक्षण देता है वहां से भी ले सकते हैं इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनका जो कृषि डिपार्टमेंट है वहाँ भी जो है इसका प्रशिक्षण दिया जाता है क्योंकि मधुमक्खी क्या है एक कीट है एक सामाजिक कीट है तो मधुमक्खी पालने से पहले जरूरी है कि जो इसकी गतिविधियाँ हैं क्या क्रियाकलाप है मधुमक्खी कैसे बाहर जाती है इसके परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं कैसे हम इनको अंदर बॉक्स में कर सकते हैं कैसे इनका बचाव कर सकते हैं तो उन सब के लिए सबसे पहले एक प्रशिक्षण ले उसके उपरांत इसका कार्य आप शुरू कर सकते हैं बिल्कुल तो जैसे कि आप बता रहे हैं प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग से ही आप शुरुआत करें ताकि जब आप इस इसके काम से जुड़े यानी मधुमक्खी पालन करें तो उसमें कोई चूक ना हो ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि आपकी खामियों को दूर करना और जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं उसके लिए आप में दक्षता आपके स्किल को डेवलप करना है तो सर चलिए हमने ट्रेनिंग ले ली जैसा कि बताया आपने कि कहाँ कहाँ से हमारे किसान ट्रेनिंग ले सकते हैं अब उसके बाद बात आती है कि कहाँ कितने बक्सों से शुरुआत की की जाए यानी जो हम बॉक्सेस की बात करते हैं क्या एक बड़ा ही अब शुरुआत से उनको बड़े स्तर से काम शुरू करना चाहिए या फिर प्रशिक्षण के बाद थोड़ा अनुभव लें वो अनुभव किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करें तो शुरुआत करने के लिए कई चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है एक तो ये है कि किस समय इसकी शुरुआत की जाए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है इसके लिए कितने बॉक्सों से हम इसकी शुरुआत करें ये सब जो है उस क्षेत्र का क्या फ्लोरा यानी कि नेक्टर फ्लो पोलन क्या उस क्षेत्र में कितना है ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप लगभग 50 बॉक्सों से इसकी शुरुआत कीजिए क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं जब शुरुआत करते हैं काम की तो बड़े पैमाने पर हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ क्या होती है कि जब हम प्रशिक्षण भी लेते हैं उसके उपरांत जब हम खुद करते हैं तो बहुत सारी प्रैक्टिकली चीज़ें सामने आती हैं तो आप शुरुआत पचास बॉक्स से करिए इसकी और इसका उपयुक्त जो समय है वो नवम्बर से ले फरवरी तक आप इसका जो है आप कर सकते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि दो एक तो समय का और कितने बॉक्सों से इसकी शुरुआत करनी है जी बिल्कुल तो समय और कितने बक्से बॉक्सेस जो हैं उनकी उनसे शुरुआत करनी है अब सर ये तो ट्रेनिंग भी अब बात हो गई अगर हमारे जो किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है तो किस तरीके से इसकी व्यवस्था कर सकते हैं मतलब क्या ये एक खर्चीला काम है कि आपको बॉक्सेस भी अरेंज करने हैं और अन्य चीज़ों का भी प्रबंध करना है जहाँ आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं मधुमक्खी पालन पे बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है अगर हम 50 बॉक्स से भी इसकी शुरुआत करते हैं तो लगभग दो लाख बीस हजार के आसपास में इसका शुरुआत में इसका खर्च आएगा दूसरी बात यह है कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें किसी दूसरे व्यवसाय की तुलना में अगर हम पशुपालन भी करते हैं या कुछ और करते हैं तो उनको हमको दाना देना होता है पानी देना होता है जी जी। साफ सफाई करनी होती है इसमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मधुमक्खी ये सारे कार्य ये खुद करती है जी जी। तो एक बार शुरुआत में पूंजी लगती है उसके बाद जो है फिर इससे लाभ ही लाभ है दूसरा ये है कि एक साल में अगर आपने पचास बोक्सों से शुरू किया है तो बढ़ते बढ़ते पचपन साठ बॉक्स आपके एक साल में हो जाएंगे जी जी। तो आपका एक तो ग्रोथ हो रही है मधुमक्खी की हुँ, दूसरा है इसके द्वारा जो उत्पाद है जैसे शहद पहले जानते थे कि मधुमक्खी को शहद के लिए थे पाड़ा, थे। पाड़ा जाता है पर इसके और भी कई सारे उत्पाद हैं, जैसे वैक्स है पोलन है और इसके अलावा जो सबसे बड़ा योगदान है वो है फसल उत्पादन में मधुमक्खी के द्वारा बहुत सारी ऐसी फसलें हैं चाहे वो सीरियल क्रॉप हैं चाहे वो दलली फसलें हैं या सब्जी वाली फसलें हैं या फल वाली फसलें हैं जिनके द्वारा 30 30 परसेंट तक जो है उत्पादन में, में इजाफा होता है सर मैं यहाँ पर आपसे इसके बारे में और विस्तार से भी जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए कई बार हमारे किसानों के मन में ये सवाल उठता है भ्रांतियाँ उठती हैं कि अगर हम अपने खेतों में मधुमक्खी पालन करेंगे वहाँ पर बॉक्सेस लगाएंगे तो मधुमक्खियाँ हमारे फसलों की जो फूल हैं उनका रस चूस जाएंगी तो इससे उनकी पैदावार घट जाएगी आमतौर पर यह सोच है तो इसके बारे में चाहूंगी कि इन भ्रांतियों को थोड़ा दूर करने का प्रयास किया जाए पहले किसान भाइयों के मन में ऐसा रहता था कि भाई मधुमक्खी क्या है एक कीट है कीड़ा है जे जे तो कहीं ना कहीं जब फ्लावर पर ये बैठेगा फूल पर बैठेगा तो उससे रस चूसेगा तो रस चूसने के उपरांत क्या है कि वो फूल कमजोर होगा कहीं ना कहीं उसके उत्पादन में कमी आएगी पर जो चीज है वो बिल्कुल इसके विपरीत है विपरीत ऐसे है कि मधुमक्खी अगर है आसपास आप किसी भी फसल की देखिए आप सरसों फसल की बात मैं उदाहरण के लिए बात करता हूँ अगर आपने सरसों लगाई हुई है उसके आसपास अगर मधुमक्खी है तो अपने आप ही बिना किसी कुछ करने के अलावा ट्वेंटी परसेंट यानी कि बीस प्रतिशत से ज़्यादा उत्पादन में जो वृद्धि हो जाएगी तो आप किसानों को क्या है कि पहले अवेयर नहीं थे जानते नहीं थे अब धीरे धीरे क्योंकि जगह जगह ये प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं बहुत सारे प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं तो आज किसान धीरे धीरे अवैध होता जा रहा है बिल्कुल अब उसको पता चला है कि नहीं नहीं जैसा हम सोचते थे कि उसके बिल्कुल विपरीत है जी 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 अब सर बॉक्सेस के बारे में आपने बताया कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होने चाहिए और सीजन के बारे में भी आपने जानकारी दी अब ये बताएं कि हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ काफ़ी भिन्न है तो हमारे किसान जब मधुमक्खी पालन करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर अगला सवाल उनके मन में यही आता है कि कौन सी प्रजातियों का चुनाव करें जो कि उनके क्षेत्र के अनुसार हो और जिनसे बनाया हुआ शहद भी लोकप्रिय हो और इन प्रजातियों को पालना मुश्किल भी ना हो तो क्या इसमें भी भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं बिल्कुल यह आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो मधुमक्खियाँ हमारे देश में लगभग पाँच प्रकार की मधुमक्खियाँ इंट्रोड्यूस हैं अब बात पालने की करते हैं क्योंकि जब हम व्यवसायिक रूप से किसी चीज़ की बात करते हैं तो ऐसी मधुमक्खी का सिलेक्शन हम करते हैं जिसका आसानी से एक तो उसको पाला जा सके दूसरा उसका जो शहद का उत्पादन है वो अधिक से अधिक हो तो बहुत सारी प्रजाति हैं इनमें सबसे बात करें हम एप्पिस मेलिफेरा जिसको कहते हैं इटेलियन मधुमक्खी इटेलियन मधुमक्खी एक ऐसी मक्खी है कि जिसको आसानी से पाला जा सकता है जो इसका स्वभाव है वो उग्र नहीं होता यानी कि शांत स्वभाव की होती है और ये एक साल में 35 से 40 किलोग्राम एक परिवार से शहद भी इनसे मिलता है तो इटेलियन मधुमक्खी का पालन का जो है करने के लिए हमको आसपास किसी भी जो है जैसे मैंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र है या नेशनल बी बोर्ड है वहाँ से हमको संपर्क करना चाहिए या इसके अलावा जो पुराने बी हैं जो पहले से बहुत लंबे समय से मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं उनसे भी संपर्क किया जा सकता है उनसे भी मधुमक्खी को इटेलियन मधुमक्खी को लिया जा सकता है और उसको फिर आराम से पाला जा सकता है जी जी सर अब जो प्रजातियों के बारे में आपने बताया जिस क्षेत्र में हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं जहां पर ये बॉक्स इंस्टॉल कर रहे हैं क्या उसके चुनाव को लेकर भी किसी तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है वहां पर भी कुछ मानक है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए बिल्कुल ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मधुमक्खी क्या है मैं कह रहा हूँ कि एक कीट है एक जीव है हमको जब भी मधुमक्खी को पालना है तो ऐसा स्थान हमको चुनना है कि जहाँ स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो यानी कि आसपास पानी की व्यवस्था हो दूसरा ये है कि हमें जो इसका रखना है जब बॉक्स बो, रखने हैं तो सड़क से जो हाईवे रो, रोड है उनसे कम से कम भी एक किलोमीटर की दूरी पे रखना चाहिए हाईवे के नजदीक कभी भी मधुमक्खी पालन कार्य नहीं करना, करना चाहिए चाह इसके अलावा मौसम का मौसम का ध्यान रखना है कि बहुत अगर ज़्यादा गर्मी है तो हमें पेड़ों के नीचे इसके जो परिवार है बोक्स है वहाँ रखना चाहिए और उसके आसपास पास ये ध्यान रखना है कि खरपतवार ना हो कई बार क्या होती है कि अगर ज़्यादा खरपतवार है तो उनके माध्यम से जो चीटियाँ हैं क्योंकि शहद मीठा होता है तो खरपतवार के माध्यम से जो सीधा आपके बॉक्सों में आपकी मक्खी चली जाती है जिससे उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है तब उसके आगे का आपको कार्य करना है जी तो ठीक है ये तो बात हुई कि कैसे स्थान का चुनाव करें अब क्योंकि सर हमने स्थान का चुनाव भी कर लिया बॉक्सेस भी लगा लिए ट्रेनिंग करने के बाद किस्मों का भी चुनाव कर लिया अब बात आती है कि शहद को कैसे निकाले यहाँ पर भी जाना आवश्यक हो जाता है कि कब शहद तैयार हो गया कई बार ये होता है कि शहद कच्चा भी रह जाता है और वहाँ पर जानकारी का अभाव ज्यादा कमाई के लिए कि चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं तो इसके बारे में बताइए अगर शहद के आप है तो आपको सबसे पहले तो ये रखना पड़ेगा ध्यान कि अगर मधुमक्खियों को नेक्टर और पोलन दोनों चीज भरपूर मात्रा में मिल रही है तो लगभग 20 से 25 दिन में जो है आपका शहद मधुमक्खी तैयार कर देती है और मधुमक्खी हमेशा जो तीन किलोमीटर की परिधि जो होती है यानी कि जहाँ उसका परिवार है वहाँ से लगभग तीन किलोमीटर दूरते भी वो जो है नेक्टर और पोलन लाती है वहाँ तक जो है उड़ान भरती है तो ये ध्यान रखने की सारी चीज़ें हैं तो अगर ये मिलती है आपको सारी चीज़ तो फिर आपको देखना है कि बीस दिन में अगर तैयार हो गया तैयार होने का ये होता है कि बॉक्स जो है सील्ड हो जाते हैं और जब उसका जो, जो आपका फ्रेम होता है उस फ्रेम के लगभग नब्बे प्रतिशत जो कोस्ट हैं अगर वो भर जाए तो आपको समझना चाहिए कि शहद जो है इसमें भरपूर मात्रा में है।, है तो उस उसके बाद आपको फिर जो है निकालना पड़ेगा निकालने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है क्योंकि मधुमक्खी क्या है कि जब आप उससे उसका भोजन लेते हो तो थोड़ा उग्र हो जाती है ये नेचर का नियम है कि भाई आपका शहद उसके खाने के लिए था तो हमने उससे ले रहे हैं तो थोड़ा उग्र होगी तो उसके लिए हमको एक तो अंधेरे स्थान पर जो है उसको शायद निकालना चाहिए या फिर कोई भी हमको जारी नुमा ऐसी चीज बना लेनी चाहिए ताकि जिसमें हम हनी का एक्सट्रेक्शन भी भी आते हैं सर जो पहने जाते हैं बिल्कुल वो तो सारा वो तो निकालने से पहले आपका बूट भी है अपना पूरा कैप है हाथों के दस्ताने हैं अपनी पूरी ड्रेस है क्योंकि जब उगरे होगी तो वो काट भी सकती है तो ये ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा और हमेशा जो कर्मिक मधुमक्खी होती है वो ही काटती है तो इसके लिए एक मशीन आती है जिसको कहते हैं हनी एक्सट्रैक्शन मशीन शहद को लेकर के भी बहुत जागरूकता है और कस्टमर भी काफ़ी चूजे है वो रॉ हनी के तरफ काफ़ी आकर्षित हो है जिसे प्रोसेस ना किया जाए लेकिन ऐसा हो नहीं सकता आपको कुछ ना कुछ तो उसे फिल्टर करना ही पड़ेगा तो एक्सट्रैक्शन के बाद अगला कदम क्या है अगला स्टेप क्या होता है किसान भाई अगर जो है जो मधुमक्खी पालन है बहुत बड़े लार्ज स्केल पे कर रहा है यानी कि कई हज़ार उसके पास मधुमक्खी के बॉक्स हैं परिवार है तो फिर इसके तरीके जो प्रोसेसिंग के हैं कई तरीके होते हैं मशीन के द्वारा भी आजकल प्रोसेसिंग किया जाता है जो बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं पर अगर एक जनरली हम फार्मर की बात करें या मधुमक्खी पालन जो कर रहा है एक छोटा किसान है तो उसको एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि मधुमक्खी का जो शहद है उस शहद के हमने दो बड़े बड़े जो भी हमारे पास कहते हैं स्टील के हमने भगोने लिए उस भगोने में एक में हमने पहले पानी भरा पानी भरने के बाद में दूसरा भगोना को उसके अंदर हमने रखा तो लगभग जब 60 का आसपास जब टेम्परेचर पानी का बन जाता है तो उसमें हम शहद डाल देते हैं शहद डाल दे तो धीरे धीरे क्या होता है कि शहद धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है यानी कि पिघलने लगता है तो उसके उपरांत फिर जब क्योंकि टेम्परेचर का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा अगर ज्यादा तापमान हो जाएगा तो उसके, तो उसके हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसके जो एंजाइम वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएंगे इससे उसकी जो शहद की गुणवत्ता है उसमें सीधा कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट आएगा जी। तो उसके बाद जो है उसमें से जब सिक्सटी के आसपास हो जाता है वो मेल्ट हो जाता है तो हम उसको अंदर वाला जो भगोड़ा है उसको निकाल लेते हैं निकालने के तो उसको ठंडा होने के बाद फिर जो ये मालकिन का कपड़ा होता है इससे डबल या ट्रिपल इसको करने के उपरांत इसको इससे फिर हम उसको जो है शायद को फिल्टर करते हैं तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है बट अगर हम बड़े स्केल पे एक साइंटिफिक रूप में अगर हम जाते हैं तो इसके लिए मशीन का सहारा लिया जाता है जो एक मशीन है जो प्रोसेसिंग करती है आजकल सभी जगह मशीन जो है उपलब्ध है अधिकतर जो है जहाँ ज्यादातर शहद का उत्पादन होता है वहाँ इसकी व्यवस्था आजकल है वो सरकार की भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए करती हैं जी सर यहाँ पर क्योंकि जब हम बात ही रहे हैं प्रोसेसिंग की और इसके जो एंजाइम्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं शहद के वो बरकरार रहे प्राकृतिक रूप में ही रहे तो यहाँ ये भी हम जानना चाहेंगे कि कई बार मॉइस्चर कंटेंट कितना है शहद में ये भी आ, एक पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कितने सम कितना अच्छा शहद हमें प्राप्त होगा तो इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए शहद का क्या है कि जैसे क्योंकि ये नेचर के द्वारा दी हुई चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति का या इंसान का रोल नहीं होता क्योंकि मधुमक्खी अपने आप ही शहद बनाती है सारी जो क्रियाएं हैं क्योंकि जब मक्खी होती है मक्खी जब उससे फूल से रस लाती है यानी कि नेक्टर पोलन लाती है उस समय पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है तो उसको ला एक तरीका होता है अगर हम बात करें बड़ा इंटरेस्टेड है कि किस तरह से शहद को फिर वो शहद का निर्माण करती है एक दूसरे के मुंह में वो उल्टिया करती है उससे अंदर उसको जो है अच्छी तरह से उसको वो किया जाता है उसके बाद शहद बनता है तो जो नेचर दुआ दिया गया है क्योंकि इसमें कोई भी पानी मिलाना वो कोई अलग सा रोल नहीं है तो उस समय जो भी शहद निकलेगा वो नेचुरल रूप से बिल्कुल उसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो सफिशियंट होगी ध्यान रखना है कि उसके बाद मोश्चर न क्योंकि शहद एक ऐसा पदार्थ है कि बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता आप उसको दस साल भी रखे रखो अगर उसके आसपास पास मोश्चर या बार बार उसको खोलोगे नहीं या उसमें मोश्चर अलग से कई बार क्या आता है कि इस्तेमाल कर रहे हैं स्पून ली उसमें स्पून में कहीं ना कहीं मोश्चर है पानी की मात्रा है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से वो ख़राब हो सकता है और सर है। वैसे भी कहते हैं कि आपको वुड लकड़ी का ही आ, कुछ इस्तेमाल करना चाहिए मतलब आप मेटल ना डालें स्पून वगैरह उस तरीके से जी जी हाँ। जी तो क्योंकि उस उससे अगर मोश्चर आ जाएगी तो कई बार कंटेमनेशन होने के चांस रहते हैं जी जी अब सर क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो मैं चाहूँगी प्रोसेसिंग से और किस किस तरह के उत्पाद बनते हैं शहद के अलावा जिन्हें हमारे किसान बेचकर लाभ ले सकते हैं प्रोसेसिंग के अलावा जब हम प्रोसेसिंग के उपरांत जाते हैं तो आज शहद के बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जैसे शहद के अब बिस्किट बनाए जा रहे हैं उसमें शुगर ना डाल के शहद अच्छा। के बिस्किट बनाए जा रहे हैं शहद का मुरब्बा बनाया जा रहा है तो ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं कि जो शहद के द्वारा पसंद क्योंकि अब उनको क्या है कि उनको आम इंसान भी पसंद करता है क्योंकि कई बार शुगर खाने से आदमी थोड़ा सा परेज करता है बट जो आपका शहद है उसका क्योंकि उसके है, है उसके तक यू चीज है है गुण अंदर इसलिए जो है बिस्किट है मुदब्बा है इन सब चीज़ों को बहुत सारे और भी उत्पाद हैं जो धीरे धीरे मार्केट में आ भी रहे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं जी जी बिल्कुल अब सर क्योंकि हम बिल्कुल समाप्त करने का समय हो गया है तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को कुछ और टिप्स देना चाहे जो हमारे किसान देख रहे हैं वो अगर किसी तरह की स्कीम से जुड़ना चाहें या फिर कोई ट्रेनिंग से जुड़ना चाहे तो कहाँ संपर्क करें कोई इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ पर किसानों को सारी जानकारियाँ मिल पाएं बिल्कुल मधुमक्खी की ट्रेनिंग के लिए जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि आप कृषि विज्ञान केंद्र के, के माध्यम से नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से खादी गुदाम उद्योग के माध्यम से भारत राज्य सरकारों के माध्यम से भी इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं साथ ही साथ किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर मधुमक्खी पालन का कार्य कर कर रहे हैं तो उनकी देखभाल किस तरह से करनी है मौसम हर मौसम के अनुसार क्योंकि एक जीव है मैं बार बार बता रहा हूँ तो आपने अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कैसे उनकी देखभाल करनी, तो देख करनी है अगर सर्दियाँ है बहुत ज़्यादा तो कैसे देखभाल करनी है अगर बरसात है कैसे देखभाल करनी है क्योंकि अगर आपने इन ती, तीनों चारों मौसम में ध्यान नहीं रखा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है और बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसके ऊपर टाट की बोरी आप डाल सकते हैं उनको गीला कर सकते हैं ताकि उसके अंदर जो तापमान है मधुमक्खी के बॉक्स के अंदर वो बना रहे बहुत ज्यादा सर्दी है तो उसके बचाव के लिए आप कर सकते हैं कि जो मधुमक्खी कई बार क्या होती है सुबह निकलती है तो उसका थोड़ा सा बंद कर सकते हैं ताकि धूप निकले उस समय बाहर जाए उसको चाहे तो से आप पोलिथीन से कवर कर सकते हैं ताकि उसके अंदर हवा ना जाए बरसात के मौसम में तो ये सब अगर आप ध्यान रखते हैं इनकी देखभाल आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा जी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सरकार आपके साथ में जुड़ने के लिए और मधुमक्खी पालन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ हमारे किसानों के साथ साझा करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद あっ。<music> तो ये थी हमारी विशेष बातचीत सरकार आपके साथ में जिसमें हमने मधुमक्खी पालन के बारे में अपने विशेषज्ञ से जानकारी ली अगर आपको कार्यक्रम को लेकर किसी तरह के सुझाव हम तक पहुंचाने हैं कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ करना यह है कि फेसबुक पर जाएँ सर्च में आप टाइप करें सरकार आपके साथ हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं मैसेंजर या फिर वॉल पर अपने सवाल लेकर हम तक पहुँचा सकते हैं इसके साथ ही साथ आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं हमारा कॉल सेंटर नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छः शून्य इस नंबर पर आप सुबह छः बजे से दस बजे के बीच में कॉल करें सोमवार से शनिवार के बीच आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ई करने के लिए हमारा ई मेल एड्रेस आप नोट कर लें हमारा ई मेल है सरकार आपके साथ एट द रेट जी मेल डॉट कॉम सरकार आपके साथ के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक आप बने रहें दूरदर्शन के साथ के साथ नमस्कार